आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। बनारस में मोदी के तूफानी दौरे के बाद भी भाजपा चिंतित। उत्तर प्रदेश के बनारस में 3 दिन से सियासी संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या बसपा, सभी ने अपनी पूरी ताकत बनारस के किले को अपनी पार्टी के हित में मजबूत करने में लगा डाली है। मोदी के 3 दिन के तूफानी दौरे के बाद भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की चिंता कम नहीं हुई है। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा बनारस को लेकर दांव पर लगी है। इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का प्रवास बनारस में रहकर प्रचार प्रसार करने के लिए किया। बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम पिछले 2 हफ्ते से बनारस के गढ़ को मजबूत करने में जुटी हुई है। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके थे कि बनारस को लेकर उन्हें क्या हानि और क्या लाभ होने वाले हैं। हानि से बचने के लिए उन्होंने लगातार 3 दिन तक जनसभाएं पर रोड शो कर जनता के बीच जाने का प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता उनके बहुत नजदीक आ गई है और कहीं न कहीं 8 मार्च को होने वाले मतदान के दिन इसका असर देखने को मिल भी सकता है। बनारस की जंग तो अभी भी जारी है। इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला तो 11 मार्च को ही हो पाएगा। लेकिन अभी भी भाजपा को अन्य से कहीं ज्यादा खतरा अपनों से ही है। अगर पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिससे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व नरेंद्र मोदी काफी हद तक चिंतित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पार्टी के स्थानीय स्तर के कद्दावर नेता बगाली ब्राह्मण दादा श्यामदेव राय चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। वे प्रतिष्ठित सीट वाराणसी दक्षिण से लगातार 7 बार पार्टी की तरफ से चुनाव जीते हैं। दादा टिकट न मिलने से सदमे में हैं। इसी के चलते एक बड़ा वर्ग भाजपा के खिलाफ खड़ा है। इसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा को बनारस में उठाना पड़ सकता है। 2014 में अपना दल के साथ गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। गठबंधन के कारण उसे बनारस जिले और आसपास के इलाकों में कुर्मी मतदाताओं के वोट बटोरने में सहूलियत हुई, लेकिन इस बार मां बेटी अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच दो फाड़ हो चुकी है। कहीं न कहीं इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों के बैन आदेश पर किए हस्ताक्षर। मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस बैंकॉक के पास दुर्घटनाग्रस्त पायलट की मौत। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। डेरा सच्चा सौदा से समर्थन मांगने के 48 नेता दोषी करार। और यमन में अमेरिकी ड्रोन हमले में 2 संदिग्ध आतंकवादी ढेर।